सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज यानी कि 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। आज स्पीकर पद का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के नेता राहुल ने बड़ी जीत हासिल की। जी हां, यहां पर देखा जा रहा है कि अब इस जीत के बाद पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट कल यानी कि 4 जुलाई को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसके लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे का गुट पर एक जोरदार हमला हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी विधायकों के लिए हिप जारी कर दी है। इस बारे में बात करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों का नैतिकता का टेस्ट होगा। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने विधायकों के लिए हिप जारी किया है, यह आने वाले समय में ही पता लगेगा कि किसके खिलाफ एक्शन होगा। चलिए आपको सुना देते हैं आखिर आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर और क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो। पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और विप तो है, हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में। मुझे लगता है वो तो बात बात की है। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन सावरी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? आरे को लेकर आपने कहा, आरे को लेकर हमारी बात स्पष्ट है। जब हमारी सरकार बनी थी तब आरे के कार शेड को हमने स्टे किया था। लाइन 3 का काम जोर से शुरू था, अगर आप देखें तो कोविड काल में भी शुरू था। महत्वपूर्ण चीज यही है कि मुंबई करों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूँ, लेकिन यही बात कहता हूँ जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूँ कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबई करों पे ना निकाले या मुंबई करों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहां बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वहां बायोडाइवर्सिटी का सवाल। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।